धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जोगेंद्र जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी राम मेहर जी व नरेश जी इनसा भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नेड़े काल बली ना तेरे आवे जे गुरु दे पोगा में बोलनू। नेड़े काल बली ना तेरे आवे जे गुरु दे पोगा में बोलनू। गुरु बिना ज्ञान कदे ना होवे, गुरु बिना ज्ञान कदे ना होवे, गुरु बिना ज्ञान कदे ना होवे, गुरु बिना ज्ञान कदे ना होवे। पढ़ पढ़ वेद चाहे उमरा ही कोवे, कीती मेहनत में जावे जे गुरु दे भोगा में बोलनू। अपने नू जावे जे गुरु दे पोगा में बोलनू। मिलता न जे शमस्ता नौज प्यारा प्यारा आख सुनावे जे गुरु दे पोगा में बोलनू। नेड़े काल बली ना तेरे आवे जे गुरु दे पोगा में बोलनू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राम मेहर जी व नरेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरे विच वसदा तू उसका कोई पता ना पावे, शकला कोई बना बना दसदा। कदी गंगा ते कदी मक्के जावे, तू खप क्यों गया भजदा नसदा। जे बंदिया तू छड़ दे
दसदी तैनु पीर मिले कर हसदा जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नू जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नू जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नू जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नू मल बूहा सतगुर वाला लब ले सतगुर नो मल बूहा सतगुर वाला लब ले सतगुर नो जिसने पीर दा नाम ते आया के प्रेम दा प्याला लब ले सतगुर नो के प्रेम दा प्याला लब ले सतगुर नो जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नो तसव्वर दे गुम जाना विच तसव्वर दे गुम जाना आप गुमा के पीर नु पाना आप गुमा के पीर नु पाना आप गुमा के पीर नु पाना इस प्रेम का खेल निराला लब ले सतगुर नो इस प्रेम का खेल निराला लब ले सतगुर नो जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नो छड़ हस्ती हो बतवाला लब ले सतगुर नो हस्ती हो बतवाला लब ले सतगुर नो मल बुहा सतगुर वाला लब ले सतगुर नो जब गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नो जब गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नो मसरूर तू प्रेम कहानी कुछ मसरूर तू प्रेम कहानी दिलो बुला दे बहम दीवानी दिलो बुला दे बहम दीवानी दिलो बुला दे बहम दीवानी इक नूरो हर उजियाला लब ले सतगुर नो इक नूरो हर उजियाला लब ले सतगुर नो जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नो जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नो मल बुआ सतगुर वाला मल बुआ सतगुर वाला मल बुआ सतगुर वाला लब ले सतगुर नो जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नो जप गुरु दे नाम दी माला लब ले सतगुर नो लब ले सतगुर नो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जिस काम को आया है
अपना वो काम भुला देना, जिस काम को आया है ना वो काम भुला देना। ईरायन मोल जन्म मिट्टी न रुला देना, मिट्टी न रुला देना। अपना तू काल देश में है आया, पांच चोर लुटेरे हैं मन माया ने। बिला जपन का भाई नाम जप रे, बिला जपन का भाई नाम बिना काल जोड़ न गाई, नाम जप रे बिना जपन का भाई नाम बिना न जोड़ काल गसाई, नाम जप रे बिना जपन का भाई। प्रभु मिलने की वारी ओ मिली, प्रभु मिलने की वारी। इसी जन्म में तेरी सरदारी, 84 गुलाम है सारी बंदे, 84 गुलाम है सारी। जन्म मिलना निपेर पड़ जाएगा देर, जब हाथों से जन्म चलाएगा। नाम जप रे बिना जपन का भाई, नाम जप रे।
मगे नाम की जुगती पाए ना हो, नाम की जुगती पाए ना। दुनिया के काम में होशियार काम जो नाम दे आए ना, तेरा काम जो नाम दे आए ना। नाम रोगों की दवाई भगवानों ने है गाई, मन जन्म का फायदा डाल गया नाम जपरे नाम जबर बिना जगन गवाई, नाम बिना गाल जोड़ न गई नाम जबरे। समझ कोई बंदा हो बात समझ कोई बंदा, वो बात संतों की न समझे माया अंगार में जो अंगा हो हुआ, माया अंगार में जो अंगा। संतो दे दयालो और बड़े गुरु पालो, कृष्ण नाम जी ने वचन सुना जो दिया नाम जब रे नाम बिना गाल जोड़ न जाए, नाम बिना गाल सुध न जाए नाम जपरे नाम जपरे बिना जपन नाम जपरे बिना जपन गाए। तो अभी आपने भजन में सुना नाम जपोरे बेला जपने का भाई, नाम बिना काल छोड़े ना काही, नाम बिना ना छोड़े काल कसाई। नाम परमपिता परमात्मा का नाम, नेम मूल मंत्र, कलमा गॉड्स वर्ड्स गॉड्स नेम, तो उस पुज याद करना है। वो नाम वो शब्द जब जीव को मिल जाता है निरंतर अभ्यास करने से, ध्यान भागने दौड़ने से रुक जाता है, मालिक के चरणों में ध्यान रुकने लगता है, और नाम जपने से आदमी की तमाम गंदी आदतें आदमी छोड़ता चला जाता है। पर नाम का सुमरण आपकी जगह पड़ोसी नहीं कर सकता, कितनी भी यारी दोस्ती मित्रता है, जो सुमरण करता है ज्यादा असर उस पर होता है। ठीक है आप किसी के लिए सुमरण करते हैं भक्ति करते हैं असर तो होगा, पर वो खुद भक्ति करे उसका असर ज्यादा होता है। तो सुमरण खाली नहीं जाता, सुमरण करते रहो, सुमरण में ताकत है, सुमरण में शक्ति है, वो खुशियां परमानंद है जिसका लिख बोल के वर्णन करना असंभव है। सुमरण करने से जन्म जन्मों के पाप कर्मों से निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। सुमरण करने से अंत्यकरण की मैल धुल जाती है, सुमरण करने से आत्मिक शांति विल पावर मिलता है, और आत्मिक शक्ति से इंसान प्रभु की कृपा दृष्टि दया में रहमत के लायक बन जाता है। इसलिए निरंतर सुमरण करो, सुमरण में बहुत ताकत है। आप किसी को मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन सुमरण को मानो, सुमरण में शक्ति है। भक्ति में वो ताकत है जो इस मृत्यु लोक में भगवान को बांध के बिठा देती है, भक्ति में शक्ति है जो जर्रे जर्रे में कण कण में अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नूर दिखा देती है। सो सुमरन करो, सुमरन से जीना चुराओ,
जो लोग सुमरण किया करते हैं वो मालिक की कृपा दृष्टि को पल पल पाया करते हैं। सुमरण पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदलता है। सुमरण आत्मा की वो खुराक है, अगर लेने लग जाओ तो और चीजों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। सुमरण महापापियों को भक्त बना देता है। सुमरण गिरे हुओं को उठा देता है। सुमरण मुर्दों में भी जान डाल देता है, क्योंकि सुमरण से ही प्रभु खुश होते हैं और प्रभु मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। इसलिए सुमरण करो। कितने भी आदमी से पाप गुना हो जाए, कितना भी गिर जाए, लेकिन अगर वो दृढ़ विश्वास कर ले और सुमरण करे तो सिर्फ उठता ही नहीं, वो मालिक का अति प्यारा अजीज भक्त बन सकता है। इसलिए सुमरण करो। सुमरण आत्मा को आवागमन से आजाद करवाता है। सुमरण से गम, चिंता, परेशानियां, टेंशन मिट जाती है। सुमरण वो आनंद देता है, वो परमानंद देता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते समय निकाल के आप सुमरण करेंगे तो मालिक की दया में रहमत से आप अपनी झोलियां उसके रहमो कर्म से एक दिन जरूर भर लेंगे। तो सुमरण खुशियों का दाता है। सुमरण मालिक से मिलाता है। सुमरण किसी आदमी पीर फकीर का नहीं, सुमरण अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना है। इसलिए सुमरण करो, नाम जपो, ताकि आने वाले भयानक कर्म आपके पहले ही कट जाएं, आने वाली मुसीबतों से पीछा छूट जाए। क्योंकि मुसीबत आने पे सुमरण करना ठीक है, फायदा होता है, लेकिन आने से पहले ही अगर कंटिन्यू सुमरण हो जाए तो भयानक मुसीबतें पल में टल जाया करती हैं। इसलिए मुसीबत की उड़ीक ना करो, पहले सुमरण करो, लगातार सुमरण करो, कंटिन्यू सुमरण के आदि बन जाओ। सुमरण के जो आदि बन जाते हैं वो किसी और चीज के गुलाम नहीं रहते। कोई भी दुनियावी चीज उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकती, क्योंकि सुमरण से वो मालिक की तरफ खींचा चला जाता है और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल एक दिन जरूर बन जाया करता है। सो यही मुर्शिद कामिल ने फरमाया कि सुमरण करो, वचन सुनो और अमल करो। एकरा घना से बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए। भारत भूषण जी, आप लाइव पे हैं, नेट पे आप वेबकैम पे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो एकरा घाना से भारत भूषण जी बात कीजिए। पिताजी दान दान शत्रु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी आपका क्या हाल है? बेबरा जी की बहुत रहमत है, आप सुनाइए क्या हाल। पिताजी आपकी दया से बहुत बढ़िया है। पिताजी मैं वेस्ट अफ्रीका के गाना पे बोल रहा हूँ, भारत भूषण सिंह सर आपका बेटा। जी पिताजी मैं यहाँ पे 2 महीने से हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ भी काम लेने के लिए जाता हूँ, सुबह हाँ कर देते हैं और शाम को मना कर देते हैं। बेटा आप लगातार सुमन कीजिए। और घाना से कोई और भी सत्संगी आए थे एक बार, उन्होंने हमसे चर्चा की थी, तो आप ये सज्जन हैं पांडे जी, इनसे बात करके उनसे कांटेक्ट करके आप कोशिश करना और हो सकता है मालिक रास्ता दिखाए, फिक्र ना कीजिए। आशीर्वाद। पिताजी एक बात और है। जी पिताजी मैं आपको एक चमत्कार सुनाना चाहता हूँ। जी बेटा। पिताजी मैं जब दिल्ली से आगरा 10 फरवरी 2010 को आ रहा था तो पिताजी मैंने हवाई जहाज में दुबई आया, दुबई से जब आगरा फ्लाइट आती है तो पिताजी वहाँ पे मेरे को खाना कह रहे आपको चिकन खाना पड़ेगा। जी तो पिताजी मैंने ये कहा उनको कि पिताजी अगर आपके पास वेजिटेरियन खाना है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं चिकन नहीं खाऊंगा। तो पिताजी उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आपको खाना नहीं दे सकते, हम आपके लिए खाना नहीं है। तो पिताजी मैंने उसी टाइम आपको अदाप लगाई कि आपका बेटा 7 घंटे की फ्लाइट में घुसा जाएगा
जो आपकी मर्जी है, अगर आपने खाना खिलवाना है तो आपकी मर्जी, अगर नहीं खिलवाना तो आपकी मर्जी है। तो पिताजी राइट 10 मिनट बाद तो उन्होंने मेरे को एक खाने का पैकेट लाके दिया वेजिटेरियन का। कह रहे भाई ये लो, आपकी किस्मत में पता नहीं ये कहाँ से एक पैकेट आया है, तो यही आपने, ये आपका लिए खाना है वेजिटेरियन जी। पिताजी आप ऐसे मेरे पे दया रहमत बख्शते रहना हमारे ऊपर, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो अनजाने में पिताजी बात करते हुए, तो पिताजी मेरे को माफ कर देना। जी बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आपको माफ है ऐसा कुछ नहीं, और आपने मालिक से मांग की, मालिक ने पूरी कर दी। तो मालिक हर चीज अपने बच्चे का ख्याल रखता है, हम तो खाकसर चौकीदार हैं बेटा, पर वो दोनों जहां का दाता हर पल हर जगह हर समय मौजूद होता है, वो अपने सिख की पल पल संभाल करता है और कई गुना बढ़ चढ़ के करेगा। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आपका देने के लिए आपका धन्यवाद पिताजी, बहुत बहुत जी बेटा। सेवा सुमन करते रहना, बचना पड़े ना, मालक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। देश विदेश में सात संगत अपना काम धंधा करते हुए 78 ग्रह क्षेत्र 448 के टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस सुन रही है जी, सबको बहुत आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 617 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सात संग लाइव देख रही, सुन रही और दिख भी रही है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालक खुशियां बख्शे। जसपाल सिंह लंदन यूके से लाइव मैसेज है, प्यारे पिताजी आज मेरा जन्मदिन है, बर्फी है जी, प्रसाद बना दो जी। बेटा आशीर्वाद, आप अच्छे नेक कामों में आगे बढ़ो, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा। हरविंदर इंसान टोरंटो कनाडा, अपनी दोती के जन्मदिन की खुशी दिंदु के मध्य में बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी, मजलिस में बैठे हैं जी। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक आपको परिवार को खुशियां बख्शे, जब मैं रहमत से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, आशीर्वाद। बहुत सारे परिवार अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। शासनम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज श्री गुरु सरपुड़ के स्पोर्ट्स वाले 37 बच्चे सरसा में कैंप लगाने आए हैं जी। स्पोर्ट्स कैंप का शुभारंभ आप जरा करने पर धन्यवाद करते हैं, और भलाई फंड में दिंदु के मध्य बैंक में 7,770 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद बच्चों, मालिक खुशियां बख्शे, दिया मेरे मन से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। शासन बिगिनर्स बिलफर फोर्स विंग का परीक्षा लेना, एक बहन खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाइए, घर जाने की आज्ञा लेनी है, ब्लाक बड़ेला की 31 चुकी कला के 20 भाई बहनों ने 4 दिन की सेवा की, 6 लकड़ी वाले में थे, 17 दिन बाहर के आश्रम में सेवा करके आए, 4 ने रक्तदान भी किया है। सो आशीर्वाद बेटा, जितनी सेवा की उससे बढ़ के सेवा से मिले सत्संग का फल आपको, परिवारों को मालिक खुशियां बख्शे, सारों का आशीर्वाद कहना, बहुत बहुत अच्छा प्रसाद लेना, खुद भी लेना, घर भी देना, आशीर्वाद। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिए, दवाई आसपास के डॉक्टर से फायदा, वहीं से लीजिए, नहीं फायदा या 3 हॉस्पिटल गुरु सर मड़े से दवाई ले लो, राय ले लो, जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना, कैंसर जी लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग चुकौते करने वाला मालिक। 3 वचनों में पहली बार गलती हो जल्दी से खड़े हो जाए, आपको माफी दिलवानी और कुछ नहीं कहना, जिनसे पहली बार 3 वचनों में गलती हुई जल्दी किया करो, फट से खड़े हो जाया करो। तो आपको आशीर्वाद कहने जा रहे हैं, और जब तक हाथ आपकी तरफ आए तब तक खड़े हो जाना और खड़े रहना है, आशीर्वाद। बाद में खड़े ना होना, अभी खड़े रहो, खड़े रहो, आशीर्वाद, खड़े रहना है, आपसे पहले खड़ा नहीं हुआ जाता बुजुर्गों, पहले खड़े हो जाया करो, आशीर्वाद, खड़े रहो, खड़े रहो, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। माफ है, आइंदा ख्याल रखिए, वचनों में गलती ना करना, मालिक माफ करने वाले हैं। बाकी अनजाने में कोई गलती हो जाती है सत्संग के खाने पीने में या, तो वो नारा लगा दीजिए, उनको माफ है। बाकी प्रसाद गुमा छोटी बात पर नारा लगाया पर निभा नहीं पाए, बिना नाम पिए जाम पिए, सेवा पे न्याय नाम में दोबारा बैठ गया, किसी को नाम बताया, आश्रम में ले पैसे खर्च किए, लॉकेट गुम हुआ नारा लगाकर चाय छोड़ दी, दोबारा पी ली, दांत गुम हुई, गलती से ऑपरेशन हो गया, दूसरे माफी ले नहीं, 5 महीने सुमन किया बसंत सिंह, सो बसंत सिंह खड़े होकर नारा लगा दीजिए, लगातार सुमन करते रहना, मालिक माफ करने वाले हैं। बाकी जिनसे भी ये गलतियां हुई वो नारा लगा दें, उनको माफ है। भूत प्रेत वाले आए ऊपरी पर आई, जिन चुड़ैल भूत प्रेत जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत है, जल्दी से खड़े हो जाओ और चुपचाप खड़े रहना है, बोलना बिल्कुल नहीं, अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहो। तो आपको आशीर्वाद कहते हैं, खड़े रहना है अभी और जल्दी से नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, अगर खड़े रह गए भूत रह गया तो हमारी कोई जिम्मेवारी, जल्दी बैठो जी। तो आपके जितने भी भूत प्रेत ऊपरी पर आई जिन चुड़ैल सब भाग गए हैं, धर्म भूत आपका भगा दिया है, कोई भूत बात नहीं, बीमारी वाला प्रसाद लेना, डॉक्टर से दवाई ले लेना, अब सारे भूत भागे, कोई भूत नहीं रहा आपके अंदर, सो सुमण करते रहना, प्रसाद लेना, मालिक खुशी देने वाले हैं। शुभ सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे और सर से रात जो सेवा कर सिर्फ बर्तन पकड़ के अलग से प्रसाद दे, मालिक खुशियां बख्शे।
तेरा भाई बहनों दिन दुखी मौत में बैंक में पैसा जमा करवाया जी, वो भरे हो जाएं जिन्होंने आज बैंक में पैसा करवाया है, जिन्होंने भी करवाया खड़े हो जाइए जल्दी से। तो आप सबको आशीर्वाद, परिवारों को मालिक खुशियां बख्शे, आपस में प्यारे, मालिक से प्यार, घर में खुशियां हैं, मालिक से दुआ करते आप सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तीन ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार ने किसी ने चोला छोड़ा जी, एक ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम नहीं लिया उसके लिए सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम दो तीन महीने लगातार समग्र मालिक रहमत करने वाले हैं, कुछ ना कुछ रहमो करम फरमाते हैं। बाकी जिनका चोला छोड़ा खड़े हो जाएं, जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा आ जाए हैं, तो बाकी अस्थियां फूल लेके आए हूं, या तो खुद का किया था गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या फिर बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि तो मिट्टी आत्मा को मालिक ज्योति निज धाम लेके जाते हैं। जिसने नाम लिया था उसको आत्मा को मालिक गोद में बैठा के निज धाम ज्योति लेके जाते हैं। सो सारा परिवार सिमरन करो, प्रसाद ले लो, मालिक आपको हिम्मत दे, ताकत दे, झेलने की जो जख्म देता मरम भी उसी के पास है। सो मालिक हिम्मत दे बेटा, प्रसाद ले लेना, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, यदि प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, आशीर्वाद। शादी वाले दो परिवार आए और दोनों परिवार दिन दुखी मध्य में 10,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की मरण उपरांत आखेदान का लिखित में पन्न करें जी, आखेदान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम सुरेश इन सपुत्र राम सिंह इन संजी के निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा, लड़की का नाम रितु इन सपुत्र ईश्वर सिंह इन संजी के निवासी डूंडवा जिला कैथल हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। शायद बेटा आपने देखा सत्संग जी, शादी वाले दिन भी ये परिवार दिन दुखी मत करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े और घर में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं, सबको आशीर्वाद कहते हैं। बाकी सत्संग में प्रसाद पहने, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके आए, आशीर्वाद लेना तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। प्रसाद घरों में खुशियां, गाड़ी आराम से, मोटरसाइकिल है तो हेलमेट रखें, विवाह शादी सुख सुविधा से संपन्न पहनने हैं तो लगन से याद कीजिए, लिखाई कीजिए, गृह प्रवेश नारा लगा के जिस दिन मर्जी जिस टाइम मर्जी कर लीजिए, और अगर आपकी बेटा बेटी हुआ है तो मालिक से दुआ है वो नेक अच्छा इंसान बने, और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी, आशीर्वाद। तो जो भी शासन पधारी है आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, आया अनुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।